finally we've stepped out for promotions which is everybody's been asked like We're like okay it's time it's time now but because we're here i would really like to take this opportunity to thank certain people because i don't know when all of us will be here we'll probably be here when we watch the film iskibad Kartik and i will be going all over i guess but because we've got such an amazing team i have to say thank you sameer sir our director guys can we hear it for our director he is he's the magic that you're seeing behind all of this so thank you sir for making this film guiding us directing us because this is truly a lot of a lot of heart sweat um, everything passion emotion we know as a team what's gone behind this our writer karan for writing such a beautiful story and for such enthusiasm in the song also and then the song was like you had yeah, the most enthusiasm I loved it Absolutely. And of course, our producers, Nama Pictures and Nadiadwala grandsons. Thank you. We've got all of them here today. So thank you for making this film. And all those who are not here, of course, Kartik, me, but our extended cast. I think uh, this movie is, is truly that full family, uh, you know, watch where every single person is so instrumental in this film. So thank you to all of them. Coming back to the songs... <laughs> Which we're here for? How did you like? आपको गाना कैसे लगा सरस बहु सरस चलो और हमारा डांस कैसा लगा वो, तो, अच्छा। वो तो दस नंबर है दस नंबर एक नंबर नहीं दस नंबर So 29th को सब आ रहे हैं

नहीं नहीं काफी हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने भी सच बोल दिया तो सच बोलने के पहले सोचने का क्या बट <laughs> <laughs> बट uh, जैसे कियारा ने अभी बोला मैं भी वो सेकेंड आल सेकेंड दैट एंड आल जस्ट थैंक एवरी वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पहला ये इवेंट किया है uh, जो सत्य प्रेम की कथा की टीम के साथ एंड आप सबके साथ uh, जो हमारी एक्चुअल में एक्सटेंडेड फैमिली है एक तरीके से सो थैंक यू फॉर कमिंग एयर इतनी तादाद में जिस तरीके से इतने सारे लोग आज आए हैं यहाँ पर सो थैंक यू फॉर द एंथुजियाजम इससे हमारा एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगना हो गया है और सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन जो यहाँ पर है सब लोग आई वुड अगेन से द सेम थिंग्स समीर सर थैंक यू सो मच जिस तरीके से आपने ये फिल्म में जितनी पैशन के साथ काम किया है uh, डायरेक्ट किया है हम सबको और uh, जिस तरीके से काम निकलवाया है हम सबसे uh, सारा क्रेडिट आपको जाता है uh, हम जिस तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर uh, को प्रेजेंट कर रहे हैं या जिस तरीके के ये गाने एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया था जब फिल्म का टीज़र आया था ट्रेलर आया था कि बॉलीवुड इज़ बैक एक हिंदी इंडस्ट्री में जो फिल्म्स पहले बना करती थी उस तरीके का ज़माना वापस आ रहा है सत्य प्रेम की कथा से सो so, आई मतलब मैं ये क्रेडिट पूरा इनको देना चाहूँगा कि इन्होंने वो डायरेक्ट किए फिल्म और उसके लिए थैंक यू uh, शरीन किशोर सर साजिद सर वर्दा एवरीवन जिन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया और इतना एम्पावर किया जितना पावर दिया इस फिल्म को सो थैंक यू फॉर दिस बिकॉज ये फिल्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाती इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर आप सब लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते सो थैंक यू फॉर मेकिंग एवरी सॉन्ग एज बिग एज द अदर वन यू नो मतलब इससे ज़्यादा मैसेव स्केल वाले सॉन्ग मैं इमेजिन नहीं कर सकता था इस फिल्म में हम दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट uh, फिल्म है uh, uh, और आप सबने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसमें uh, सोना चांदी से जड़ दिया उस फिल्म को सो थैंक यू फॉर दिस करण हुज़ रिटन द फिल्म Uh, जिन्होंने ये फिल्म को क्रिएट किया एक तरीके से uh, जिनकी लाइंस को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं मतलब uh, uh, मैं ज़्यादा अच्छे शब्दों में थैंक नहीं कर पाऊँगा जितने शब्द तुम लिखते हो बट थैंक यू फॉर ऑल द वर्ड्स एंड ऑल द डायलॉग बाजी इन द ट्रेलर इन द फिल्म ये सिर्फ पाँच है पाँच है जो आप देख रहे हैं पिक्चर के अभी ट्रेलर में टीजर में पूरी पिक्चर में बहुत कुछ है जो हम अभी नहीं दिखा पा रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं जो नहीं दिखा पा रहे हैं। जिसका जवाब आपको 29 जून को मिलेगा थैंक यू ये बहुत बड़ा मोनोलॉग मैंने बोल दिया है सॉरी बट थैंक यू हाँ ये ये बहुत बड़ा करारा जवाब है बहुत बढ़िया है अभी जितने लोगों थैंक यू बोला है

这个，不够。